आफ्टरनून सर, काजल आवाज़ आ रही है, हरिशंकर, आप लोगों ने मुझे अपने पेज पर लाइव बुलाया, दिग्वेश, हेलो सर, कैसे हैं दिग्वेश, काजल, बहुत अच्छा लग रहा है कि देव संस्कृति विद्यालय के काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला है, जुड़ने का मौका मिला है। देखिए, मैं आज तक आप सब लोगों के सामने बोला हूँ, इतने सारे लोगों के सामने, शिवांगी मैं जानता हूँ, काजल, हरिशंकर, सभी लोगों को, और सभी लोगों ने मुझे लाइव देखा है सभी के सामने, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से वर्क कर रहा हूँ, तो कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और ये आप सभी ने सुना होगा कि अच्छे काम में दिक्कतें हमेशा आती हैं और बुरे काम झट से हो जाते हैं। अभी हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अल्पना वर्मा, हेलो अल्पना, हर्षिता शर्मा, हेलो हर्षिता, कैसे हैं, अब साफ आवाज़ आ रही है शायद आप लोगों को, राइट, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सर यू आर ऑडियोबल, अच्छा अच्छा ठीक है, आवाज़ आ रही है। देखिए, टॉपिक आज का बहुत अच्छा है और बड़ा ही मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इतने सारे अच्छे इंटेलिजेंट लोगों से मिलके। निशा शर्मा, हेलो निशा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी पूरी उम्मीद है कि, राइट सर, मुझे मेरा जो अनुभव है मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि क्या होता है कि हर इंसान की लाइफ में अपना अपना अनुभव है और एक्सपीरियंस ही मोर पावरफुल, यू नो वेरी वेल डैट, कि एक्सपीरियंस जिसके पास जितना है वो उतना ताकतवर है, समझदार है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊँ तो विश्वास मानना, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स हैं देव संस्कृति के, हेलो भैया, अनामिका दीदी भी आ गई हैं, राम कांति, गुड जी, आप राम कांति, अच्छा अच्छा अनामिका दीदी भी आ चुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, सभी के मन मस्तिष्क में समय के प्रति कितनी जागरूकता है सभी जानते हैं। तो अनुभव की बात मैं कर रहा था कि आप देखिए, अनुभव जिसके पास जितना इकट्ठा हो जाए ना, याद रखिएगा, वही सक्सेस है बस। मनीष गुप्ता सर, आपके सक्सेस होने का क्या राज है? अरे सर, आपने तो आते ही बमबाड़ी शुरू कर दी प्रश्नों की। हेलो फ्रॉम राधा, राधा हाय, राधा मेरी भांजी का नाम है। तो मैं ये बता रहा था कि अनुभव जो होता है ना, वो बहुत मूल्यवान है। आप किसी भी अनुभवी व्यक्ति से जब मिलेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट दिखेंगी। तो मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करने आऊँगा, शेयर करूँगा सारी चीज़ें। मैंने कहीं से कोई चीज़ चुराई नहीं है, मैंने कहीं से कुछ रट्टा नहीं मारा है, मैंने कहीं से कुछ, बस पर्सनल जो एक्सपीरियंस यहाँ इतने सालों का है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ऑल लाइफ, मतलब पूरी ज़िंदगी जो मैंने सोचा है कि मुझे स्टूडेंट बन के रहना है, तो आज मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मैं संजय सक्सेना, और आर्मी में इस समय मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा छोटा सा वर्क है और बहुत ही छोटा स्टूडेंट हूँ, पूरी लाइफ विद्यार्थी बन के जीने का प्रण लिया है। और विद्यार्थी का जो समय होता है, वही समय सबसे ज़्यादा पावरफुल है, याद रखिएगा, क्योंकि इस समय जो कुछ आपने सीख लिया, समझ लिया, उसके बाद पूरी लाइफ वो चीज़ अप्लाई करने वाली होती है। प्रणाम सर, मैं दीपाकर फ्रॉम दीप, जी 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 सर, मेरे
मेरे मोबाइल में कुछ कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम, लेकिन हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट रुकिएगा। मैं अनुभव की बात कर रहा था। अनुभव यदि हम विद्यार्थी बन के इकट्ठा करेंगे तो याद रखिएगा, उस एक्सपीरियंस की कोई तुलना नहीं है। यदि हम बड़े होके किसी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करेंगे तो ईगो बढ़ जाएगा। तो ये छोटा सा विद्यार्थी इतने सारे विद्यार्थियों को प्रणाम करता है। प्रणाम सर, प्रणाम 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 दीदी, है ना, राम कांति मम्मी। अच्छा अच्छा मम्मी जी हैं ये, मैं पहचान ही नहीं पा रहा था। मेरे अंदर सबसे बड़ी चीज़ है भूल जाओ। भूलना बहुत अच्छी क्वालिटी दी है। अभी अपन अपने टॉपिक पे आएंगे, टॉपिक पे बात करेंगे। परधी राठौर, प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम और परिणाम दोनों में बहुत समानता है। तो जो लोग प्रणाम कर सकते हैं उनके परिणाम अच्छे हो सकते हैं। प्रणाम में झुकना पड़ता है, तो झुकने वाला ही बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। प्रणाम प्रणाम। राधा इज ऑल्सो वॉचिंग। अरे वाह, राधा भी देख रही है। सभी लोग मुझे देख रहे हैं पर मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ, केवल पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि आपके मन की फीलिंग्स, भावनाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो था वो है डर और चिंता को लेके। डर और चिंता। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ कितने लोग डरते हैं, जिन्हें कभी ना कभी डर लगा है। सर मुझे, कपूर साहब, रोन कपूर, मुझे लगता है भैया। अल्पना, ठीक है, लगने दीजिए, आज के बाद नहीं लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। यस सर, मुझे लगता है। परधी राठौर, इसका मतलब डर बहुत लोगों को लगता है। अगर 35 लोगों में से इतने लोगों को डर लग रहा है तो चिंता किसे है? टॉपिक यही था ना, फियर एंड एंजाइटी, गेट आउट फ्रॉम लाइफ। टॉपिक बहुत अच्छा चुना है देव संस्कृति विद्यालय हरिद्वार वाले लोगों ने, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मुझे भी, दीदी को भी लगता है। अच्छा, कभी सोचा है आप सब लोगों ने, डर है क्या चीज़, क्या होता है डर? सर मुझे भी। डर क्या होता है और चिंता क्या होती है, कभी सोचा, कभी समझने की कोशिश की? लगता सबको है लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये अगर पता चल जाए कि डर है क्या, चिंता है क्या, तो शायद हम बहुत आसानी से, सर कुछ बताओ सर। जी जी सर, अभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डर और चिंता। हर्षिता, बेस्ट टॉपिक भैया, दिस वीडियो हेल्प्स मी वेरी वेल। सर मुझे कभी कभी। मीनाक्षी दीदी, प्रणाम मीनाक्षी दीदी, मुझे भी होती है चिंता भैया। ठीक है, देखिए, चिंता और डर की बात की जाए, टॉपिक में क्या है, फियर एंड एंजाइटी, गेट आउट फ्रॉम लाइफ। इसका मतलब एक चीज़ तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही है कि इस सेशन के बाद आपके अंदर से डर और चिंता खत्म हो जाएगी। डर और चिंता है क्या, ये मैं बताने से पहले आपको एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मेरे पास लोग आते हैं, उन सभी से मैंने सीखा है और मैंने बताया मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ और ऑल लाइफ रहूँगा। आप लोगों ने डांस कंपटीशन का नाम बहुत अच्छे ढंग से सुना होगा, डांस इंडिया डांस, और भी बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हैं डांस के जो काफ़ी चल रहे हैं या पास्ट में थे, चलते थे। डांस इंडिया डांस की हम एक रियल लाइफ घटना का डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं आपसे रियल लाइफ घटना को बताने वाला हूँ। तीन कैंडिडेट जो सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, इन सभी को पार करके फाइनल राउंड में पहुँचे। डांस कंपटीशन में बहुत सारे राउंड होते हैं, पहले वो अपने मोहल्ले के लोगों से जीतते हैं, फिर कंपटीशन होता है तो वो अपने स्टेट से होते हुए तब नेशनल लेवल पे पहुँचते हैं। तो तीन चरणों के द्वारा, जो तीन चरणों में कंपटीशन पास करने के बाद फाइनल राउंड जो था, जिसके बाद निर्णय होना था कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा, उस राउंड में तीन कैंडिडेट केवल पहुंच पाते हैं। ओके,
अब इन तीन कैंडिडेटों का नाम अपन रख लेते हैं, इन तीनों डांस करने वाले लोगों का नाम रख लेते हैं, ए बी और सी। डांस शुरू होने वाला है, स्टेज पे परफॉर्मेंस होने वाली है, मैं आपको उन तीनों की मनोस्थिति से वाकिफ कराना चाहता हूँ। डांस होने वाला है, स्टेज है, स्टेज पर सामने जजेस बैठे हुए हैं, निर्णय लेने वाले निर्णायक, और सामने ऑडियंस की बहुत भीड़ है। तीनों लोगों में से फर्स्ट ए सोच रहा है कि मैंने अभी तक जितने डांस मैंने पार्टिसिपेट किया है उन सभी में जो मैंने गलती की है वो गलती मैं नहीं करूँगा, तो मुझे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। सोचिए, जिसने बहुत सारी गलतियां करके जो फाइनल राउंड तक आ चुका है, यदि वो गलतियां बंद कर दे, टोटल गलतियां जितनी उसने की थी, तो उसे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप लोग सहमत हैं ये बात सही है कि सारी गलतियां करना बंद कर दे अगर व्यक्ति तो वो अचीव कर सकता है? आप लोग सहमत हैं? कुछ जगहों पर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, चलिए मैं कंटिन्यू होता हूँ। तो फर्स्ट जो है ना ए कैंडिडेट, वो ये सोच रहा है कि जो मैंने अभी तक गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ मैं अब नहीं करूँगा तो मैं फर्स्ट आ जाऊँगा। ए बी एग्री, थैंक यू। बी सोच रहा है कि अगर मैंने ऑडियंस को खुश कर लिया, जितनी ऑडियंस बैठी हुई है बस वो इम्प्रेस हो जाए, वो खुश हो जाए, और जजेस को मैंने खुश कर लिया, तो फिर मुझे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक रहा। स्वाभाविक सी बात है, जो आपका निर्णय लेने वाले लोग हैं, जिनके हाथ में आपकी मार्कशीट है, कॉपी है, जो नंबर देने वाले लोग हैं, यदि वही खुश हो गए, वही इम्प्रेस हो गए, वहाँ जितनी ऑडियंस है वो ऑडियंस भी अगर खुश हो गई, तो फिर आपको फर्स्ट आने से कौन रोक सकता है? क्योंकि ऑडियंस ने अगर एक बार और चिल्लाया वंस मोर वंस मोर वंस मोर, तो आप डांस में फर्स्ट आ जाएंगे। बी ये सोच रहा था। सी जो था, ए की मैंने आपको मानसिकता बताई, बी की मैंने मानसिकता बताई, सी जो था, सी सोच रहा है कि मेरे सामने ना तो कोई जजेस हैं, ना मेरे सामने कोई ऑडियंस है, ना मुझे अपने डर से कोई डर, ना मुझे मेरी गलतियों का कोई ध्यान। डांस करना मेरा जुनून है, डांस करना मेरा पेशेंस है, डांस की ही मेरी ज़िंदगी है, डांस के लिए ही मैं जीता हूँ, और वो पूरी ताकत से केवल डांस करता है। आपको क्या लगता है कौन फर्स्ट आएगा? आपको क्या लगता है? पहला व्यक्ति अपनी गलतियों को ना करने के बारे में सोच रहा है, दूसरा जजेस और ऑडियंस के बारे में सोच रहा है, तीसरा केवल डांस के बारे में सोच रहा है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। उसका सिंपल भाषा में बोला जाए तो भाड़ में जाए ऑडियंस, भाड़ में जाए जजेस, उसका मन जो है वो डांस करने में है, डांस उसकी ज़िंदगी है, और डांस में ही उसे पैदा किया है, डांस में ही रहना है। बिल्कुल सही बोला सी 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 अल्पना विवेक कुमार जी थर्ड श्याम, आप देखिए सबका जवाब सी आ रहा है। क्यों आ रहा है सी? कारण ये है कि जब हारने का कोई सोच नहीं है, जीतने की कोई सोच नहीं है, तो जो आपका निकलेगा वो बेस्ट निकलेगा। सी बिल्कुल सही बोला। और डांस इंडिया डांस के इस घटना से मैंने ऑब्जर्व किया कि सच यही है। जो पहला व्यक्ति था ना वो गलतियों के बारे में सोच रहा था, जो दूसरा व्यक्ति था वो अपने जजेस के बारे में सोच रहा था, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था वो केवल और केवल अपने डांस के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो डांस मतलब थर्ड व्यक्ति ही फर्स्ट आया। न्यूज़ लाइन व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा आपको, दैनिक भास्कर में पूरा नाम लिख के आया उसका, और उससे जब चर्चा हुई तो पता चला कि ये उसकी मनोस्थिति थी। अगर हम अब अपने टॉपिक पे आएं, अपने टॉपिक में डर और चिंता की जो बात है, डर और चिंता होती क्या है, मैं आपको इसी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बताएगा? मनीष सर सी, दीपिका वर्मा सी, बिल्कुल सही बात है, सी ही आया, सी का ही एडवर्टाइज न्यूज़ आई थी दैनिक भास्कर में कि सी नाम का जो बंदा, जो अपन ने सी बोला है, बेसिकली उनका नाम था, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, सी ही आया है ना। डर और चिंता होती क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करें पहले, क्योंकि जब आप किसी को समझते हैं तभी उसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि आपको कारण नहीं पता होगा तो निवारण नहीं होगा। लोग निवारण में लगे हुए हैं, कारण में नहीं लगे हुए हैं।
अब हम बात करते हैं डर की। देखिए, ए जो था, जो अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा था, वो बेसिकली डरा हुआ था। डर और चिंता में सिर्फ एक बारीक सी लाइन है, उसे अगर हम समझेंगे, डर हमारे पास्ट में हुई घटनाओं को जब हम याद करते हैं तब हम डरते हैं, और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जब हम विचार करते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं, तो हम चिंता में होते हैं। एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा या मैं फेल हो जाऊंगा, ये चिंता है, डर नहीं है। मैंने चोरी की है, कोई मुझे पकड़ ना ले, ये डर है। डॉगी ने अगर आपको एक बार काट लिया और दूसरे डॉगी को देख के जो फीलिंग आ रही है, जो सोच आ रही है, वो डर है। डर पास्ट ओरिएंटेड होता है, एंजाइटी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। डर हमेशा पीछे के किए गए कर्मों को जब हम याद करते हैं, जब हम जोड़ के रखते हैं, उससे अटैच रहते हैं, तो हम डर रहे होते हैं। पास्ट ओरिएंटेड फियर में रहता है, और फ्यूचर ओरिएंटेड जो होता है वो एंजाइटी में होता है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस ही जो है उसमें कोई नहीं रहता है। मेरे पास करीबन 10-11 साल के अनुभव के आधार पर मेरे पास आने वाले अधिकांश व्यक्ति जो कहीं मनोवैज्ञानिक समस्या से गुजर रहे हैं, वो सभी या तो डर में जी रहे होते हैं, या फ्यूचर में जी रहे होते हैं, या पास्ट में जी रहे होते हैं। आप अपने अपने मन के अंदर झांक के देखिए, जिसने अभी मुझे बताया कि मुझे डर है, वो कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ से जुड़ा हुआ है, पास्ट से कनेक्ट है, उसने पास्ट की घटनाओं को एक्यूमुलेट कर रखा है। और जिस व्यक्ति को चिंता है, आप देखिएगा, वो भविष्य के ओरिएंटेड होगा। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या पास्ट में जाया जा सकता है, क्या संभव है? आप सोच के देखिए कि क्या पास्ट में आप सांस ले सकते हैं, क्या आप पास्ट में जाके खाना खा सकते हैं, क्या आप पास्ट में जाके कोई भी काम कर सकते हैं? जवाब सभी का नहीं होगा। और अगर बात की जाए, हम भविष्य के बारे में सोचते, देखिए क्लियर हुआ कि 95% मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और चूंकि मैं विद्यार्थी रहा हूँ तो विद्यार्थी गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, बच्चों का क्या है, बच्चे तो सही गलत ही होते रहते हैं, मैं एक छोटा बच्चा हूँ। तो सवाल यह है कि आप 95% जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो लोग या तो डर में जी रहे हैं या एंजाइटी में जी रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है वो या तो पास्ट में जुड़े हुए हैं या फ्यूचर में जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति पास्ट में रहता है तो वो प्रेजेंट से, और जब फ्यूचर में रहता है तो प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। सहमत हैं इस बात को? हम रह रहे हैं हम प्रेजेंट में, पर सोच रहे हैं पास्ट में। पास्ट में खाना खा सकता है कोई के जाके, या फ्यूचर में जाके कोई काम किया जा सकता है? नहीं। तो सबसे पहली एक चीज तो यही निकल के आती है कि यदि आप अपने आप को पास्ट से और फ्यूचर से डिटैच कर लें, पास्ट में गड़े हुए मुर्दे, एक कहावत है ना, गड़े हुए मुर्दे वापस नहीं आते। आप कोई भी घटना देख लें अपनी लाइफ की, वो दोबारा आज नहीं हो सकती, वो एज इट इज प्रेजेंट में हो सकती है, पर केवल वही नहीं हो सकती। उस टाइम पर जो चीज़ हुई है वो टाइम अब नहीं आएगा, इसलिए वो घटना अब नहीं हो सकती, उसके जैसी घटना हो सकती है। बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, बड़े छोटे सभी लोग। पास्ट जो अब आने वाला नहीं है, फ्यूचर जो अभी आया नहीं है, इन दोनों में रह के हम अपने वर्तमान को पीस देते हैं। और आपने सुना होगा कि वर्तमान से भविष्य बनता है। आप जिस भविष्य को बनाना चाहते हो बनेगा वर्तमान से, पर आप रहेंगे पास्ट में तो संभव ही नहीं है कि आप अपना वर्तमान अच्छा बना लें। क्या कभी आपने ऐसी कोई घटना सुनी है कि वर्तमान में व्यक्ति ड्रिंक करके डला हुआ है, बिल्कुल ड्रिंक में सड़क पे लोटपोट हो गया है, लेकिन
फ्यूचर में वो बहुत अच्छा हो। ड्रिंक की हैबिट आपके मस्तिष्क को डाउन में ले जाती है, तो वो बुद्धिजीवी नहीं हो सकता। आपको मालूम है ये एक लेयर है, एक हम एक मेजरमेंट लाइन लेके चलते हैं समझने की दृष्टि से। एक लाइन है, जो लोग पास्ट में हैं वो नीचे, जो लोग प्रेजेंट में हैं वो इस लाइन पे, और जो लोग फ्यूचर हैं वो इस लाइन से ऊपर। समझाने के दृष्टिकोण से अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रेजेंट है, इसके नीचे पास्ट, इसके ऊपर फ्यूचर। इसे बोलते हैं तार्किक बुद्धि। हम इस तार्किक बुद्धि मतलब तर्क शक्ति लगाते हैं, तर्क से सारे सवालों का जवाब देते हैं, तर्क यूज करके सही को गलत और गलत को सही में कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग गलत बात पे ही अड़े रहते हैं और कहते हैं नहीं सही है सही, तो तार्किक बुद्धि बोलते हैं, तर्क शक्ति तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि से नीचे वाले लोग पास्ट में रहते हैं, इन्हें बुद्धू बोला जाता है। लाइन से बुद्धि है ना, ये बुद्धि, इससे नीचे बुद्धू और इससे ऊपर बुद्ध। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी बुद्धि से ऊपर उठ जाइए, बुद्धि के नीचे नहीं रहिए। और इसे अच्छे ढंग से समझें, ये जमीन है, हमने जो बीज बोया है, बीज पास्ट में बोया जाता है ना बच्चों, बीज है पास्ट। पेड़ जो लग जाता है वो है वर्तमान, और पेड़ पे जो फल आने वाले हैं वो है फ्यूचर। अगर हम बीज पर ही ध्यान रखें और बीज को बार बार निकाल के देखते रहें, वैसे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि बीज खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे ही पेड़ बना हुआ, बीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। बीज का अस्तित्व खत्म होना पास्ट का खत्म होना क्या ऐसा हो सकता है किसी बीज को बार बार अगर आप निकाल के देखें तो वो पेड़ बन जाए? संभव है। वर्तमान में पेड़ को पानी देना ही केवल रिजल्ट को ला सकता है। जितने लोग वर्तमान में पेड़ को पानी देंगे, वर्तमान पर फोकस करेंगे, वर्तमान पर ध्यान देंगे, वही भविष्य के फल खा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में पानी ना देके पेड़ से भविष्य की के लिए फल की इच्छा रखना गलत है। आप क्या सोचते हैं, बीज कभी वापस आ सकता है? आप एक बार देखिए, लेकिन उसी बीज से भविष्य में जो फल आएगा उसमें बहुत बीज आ सकते हैं। वर्तमान रूपी माली को पेड़ में पानी जरूर देना चाहिए बीज को ध्यान में रखकर, क्योंकि वहीं से भविष्य का रास्ता बनता है। लेकिन लोग बीज में ही अटके रहें तो कैसे संभव है? पेड़ बड़ा होने के बाद आप देखिए, पेड़ में पत्ते लगते हैं, जो पहले पत्ते होते हैं वो आगे जाके पीले हो जाते हैं, और तो और वो टूट भी जाते हैं, झड़ जाते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, जो पास्ट हो गया। वर्तमान रूपी माली या वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति सूखे पत्तों पर खाद पानी दे के क्या कुछ कर सकता है? या फिर जो हरे पत्ते हैं या जो पेड़ में या पौधे में हरियाली है उसमें पानी देके पेड़ को बड़ा किया जा सकता है? तो अतीत में हमारी जो अच्छी यादें हैं, हरियाली वाले पौधे हैं, हरे पौधे हैं, तना जो है उसमें यदि हम पानी देंगे, उस पर अगर हम चिंतन करेंगे तो हम भविष्य का बहुत अच्छा रास्ता बना सकते हैं। इसे बोलते हैं पास्ट के सुखद अनुभवों को इकट्ठा करना। लेकिन दुनिया के लोग उन सूखे पत्तों को, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, खत्म हो चुके हैं, वो डाल से टूट चुके हैं, उसमें खाद पानी दे के अपने भविष्य की संरचना करने की कोशिश करते हैं। सूखे पत्ते का मतलब हमारे साथ हुई वो घटनाएं जो हमारे लिए दर्दनाक हैं, जो घटना हमें बहुत तकलीफ देती है, वो हमारी जिंदगी से झड़ चुकी हैं, उन्हें एक्यूमुलेट करके, उन्हें इकट्ठा करके लोग जी रहे हैं। आप सहमत हैं इस बात से? अगर आप भविष्य में अच्छा बनना चाहते हैं तो भविष्य में ना जाके
वर्तमान में रहिए तो भविष्य अच्छा बनेगा। अब मैं आपको एक आज ही का इंसिडेंस बताता हूं। मेरे मोबाइल की कल तक जो स्थिति थी वो स्थिति ये थी कि बहुत हैंग हो रहा था, बहुत दिक्कत दे रहा था, स्टॉप हो रहा था, जैसा अभी स्टार्टिंग में भी कुछ कुछ हुआ। मैंने बिल्कुल भी मोबाइल के हैंग होने पे ध्यान नहीं दिया। एक मेरे बहुत क्लोज, बहुत समझदार, बहुत अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं चंदन सर, मैंने उनको तुरंत फ़ोन लगाया, 2 मिनट बात की और मैंने बोला, चंदन जी कम समय में ज़्यादा समझिएगा और मुझे सॉल्यूशन चाहिए। मैंने बोला मोबाइल हैंग हो रहा है, ये मेरा मोबाइल है, क्या करना चाहिए। उन्होंने 1 सेकंड बात की, 1 सेकंड में फ़ोन रखा, सर आपका टाइम वैल्यूबल है, आप टाइम पे अपना वर्क कीजिए, मैं बताता हूँ। उन्होंने मुझे तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज किया, इसके अनवांटेड जो फोल्डर्स हैं वो हटा दीजिए, और 4-5 तरह की चीज़ें बताई उन्होंने मुझे। मैंने रात में बैठ के उन सबको हटाना चालू किया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इस घटनाक्रम को यदि आप देखें, चंदन जी मुझसे सालों पहले जुड़े, वो पत्ते जो हरियाली वाले हैं, जिन पत्तों में जान है, जिनके साथ आपके सुखद अनुभव हैं, जिनके साथ आपका अच्छा संपर्क संबंध है, उन पेड़ पौधों को खाद पानी देना, उन पत्तों को खाद पानी देने से वो पत्ते आपको भविष्य में रिजल्ट देंगे। लेकिन सूखे पत्ते, ऐसे बहुत से लोग होते हैं हर किसी की लाइफ में जिनके साथ कुछ 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 हमारा खट्टा मीठा हो जाता है, उन लोगों को हम पकड़ के रखते हैं, उन लोगों को संभाल के रखते हैं और याद रखते हैं कि इसने हमारे साथ चीटिंग की थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो व्यक्ति डरेगा वो पास्ट ओरिएंटेड, जो व्यक्ति फ्यूचर ओरिएंटेड है उसे चिंता होगी। इसलिए इन सारी चीज़ों से कोरिलेट करके अपनी लाइफ को और मेरे लेक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अच्छे पौधों पर वर्क किया, अच्छे पत्तों पर वर्क किया, आज देखिए रिजल्ट है कि आपसे मैं लाइव सेशन ले पा रहा हूँ। लेकिन सपोज मैंने उन लोगों के साथ रिलेशन बॉन्डिंग बना के रखी होती जो जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, जिन्होंने मुझे हर्ट किया, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसको किक मारने वाले लोग नहीं मिले हों। किक मीन्स हिट, है ना? हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी ने धोखा दिया, चीटिंग की है, बहुत सारी चीज़ें आप सबकी लाइफ में हैं। तो यदि मैं उन लोगों को एक्यूमुलेट करके रखता, उन सूखे पत्तों को अपने साथ रखता जिन पत्तों में अब जान नहीं है, उन पत्तों से मैं कुछ यूज़ नहीं कर सकता, उन पत्तों से एक नुकसान जरूर हो सकता है कि अगर धोखे से आग लग गई तो जंगल जल जाएगा, मेरी सोच, मेरे साथ, मेरा माहौल, मेरी सारी चीज़ें जल जाएंगी। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव लोग यदि आपके साथ हैं तो वो उस जुएं की तरह हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी चूस लेंगे। नेगेटिव लोग सूखे पत्ते। यदि नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में हैं तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चूस लेंगे। तो पहली चीज, पास्ट ओरिएंटेड नहीं रहना है, क्योंकि बीज दफन हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, सिर्फ जड़ें रह जाती हैं, पत्ता, फूल और रिजल्ट आना है। तो हमें उस बीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है जिससे ये पेड़ खड़ा किया है। पास्ट की गलतियों से अच्छे अनुभव सीखिए, पर गलतियों को छोड़ दीजिए। लोग गलतियों को ध्यान रखते हैं और उससे मिली हुई सीख पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉब्लम ये है। लोग बोलते हैं डर से, जैसे एक कॉमन सा डायलॉग है, डर के आगे जीत है। मैंने कहाँ देखा था, ये किसी एडवर्टाइजमेंट का है, माउंटेन ड्यू, यस यस यस। डर के आगे जीत है, क्या लगता है? डर के आगे जीत होती तो हर डरने वाला व्यक्ति नहीं जीत जाता। डरने वाला व्यक्ति दर्द में रहता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो पास्ट ओरिएंटेड है। आप कोई भी प्रेजेंट में इफेक्ट, मतलब स्टेप उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप डरे हुए हैं। डरना मतलब बैक गियर, किसी भी गाड़ी में बैक गियर डाल दो आप और फिर गाड़ी का एक्सीलेटर दिए, एक्सीलेटर है प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्तमान। गाड़ी को स्पीड दीजिए और बैक गियर डाल के, बैक गियर मतलब पास्ट। क्या लगता है आपको, आपकी गाड़ी उन सभी मंजिलों पर पहुंच जाएगी क्या? पहुंच सकती है? नहीं, सवाल ही नहीं है। जितना आप पास्ट में रहेंगे उतने
पीछे होते चले जाएंगे, क्योंकि पास्ट पीछे होता है, हमें आगे जाना है। तो जाना तो पैरों से है, पैर है हमारे वर्तमान। आपने एक चीज और ध्यान, मतलब ये बहुत गौर से सुना होगा आप लोगों ने, कि सामने वाले की गलतियों को हम याद रखते हैं, इसने हमारे साथ ये गलत किया, इसने हमारे साथ ये गलत किया। कब तक याद रखेंगे? अच्छा चलिए, हम याद रखते हैं, पर उस याद रखने से सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है? वो व्यक्ति जिसने हमें दुख दिया या हम? मैं कह रहा हूं आप बहुत अच्छे ढंग से याद रखिए, बहुत अच्छे ढंग से याद रखिए, अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंस, गलत बुरे अनुभवों को याद रखिए, लेकिन एक सेकंड के लिए सोच के देखिए कि उस बुरे अनुभव को जिस व्यक्ति ने आपको दिया, उस व्यक्ति से और अपनी तुलना करके देखें परेशानी तकलीफ में कौन है। सभी का जवाब यही निकलेगा कि परेशानी में हम हैं। तो इकट्ठा ना करें आप, पास्ट मतलब इकट्ठा करना, जितना आप दर्द पेन तकलीफ हर्ट को पकड़े रहेंगे तब तक आप पास्ट में रहेंगे, और जब तक आप पास्ट में रहेंगे तब तक आप प्रेजेंट का सुख नहीं भोग पाएंगे, और जब आप प्रेजेंट का सुख नहीं भोग पाएंगे तो फिर फ्यूचर का तो भूल ही जाइए। वर्तमान के माली के द्वारा ही अतीत के सुखद अनुभवों से भविष्य का रास्ता बनता है, लेकिन पूरा वर्क वर्तमान का माली करता है, इसलिए पास्ट की और फ्यूचर का तुलना, भविष्य और भूतकाल की तुलना में वर्तमान ज्यादा ताकतवर होता है। आप सभी ने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि सी जो है वो फर्स्ट आएगा। कैसे आया? क्योंकि वो वर्तमान में था। जो व्यक्ति पास्ट की गलतियों का ध्यान दे रहा था वो डर रहा था, इसीलिए पैर जब थिरकते तो वो गलतियां, वो बैक गियर उसे कहीं ना कहीं रोक देता। आप खुल के क्यों नहीं जी पा रहे हैं जिंदगी में? या जो भी व्यक्ति डरता है या चिंता करता है वो खुल के क्यों नहीं जी पा रहा है? क्योंकि वो वर्तमान में नहीं रहता। तो ये जो व्यक्ति था वो व्यक्ति बेसिकली डर रहा था, डरते डरते वर्क कर रहा था, और डर के साथ वर्क करने वाले व्यक्ति का प्रेजेंट पे फोकस कभी नहीं होता। आपकी आंखें सामने ही देख सकती है ना, पीछे तो नहीं देख सकती। आप अगर ऐसे करके पीछे देखते रहेंगे, पीछे मीन्स पास्ट, ऐसे करके पीछे देखते रहेंगे तो आगे तो टकराना स्वाभाविक है, निश्चित है। और जब आप टकरा जाएंगे तो कहेंगे कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। निर्णय कीजिए आज ही छोड़ना है पुरानी उन सारी बातों को जो दर्द दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, और पुरानी यादों में से उन अच्छे अच्छे खुशबूदार ताकतवर चीजों को याद कीजिए जो आपको पावर दें। लोगों के पास, कल मैं लाइव सुन रहा था इसी करुणा के पेज पर, मनीष सर साइकोलॉजिस्ट हैं, मनीष सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हर इंसान के पास दो तरह की एनर्जी होती है, वही मैं बोल रहा हूँ, एक नकारात्मक एनर्जी, एक सकारात्मक एनर्जी। नकारात्मक एनर्जी वाला व्यक्ति सही काम कभी नहीं कर सकता, और सही काम करने वाला व्यक्ति गलत काम कभी नहीं कर सकता। इन दोनों को और गहराई से अगर समझें तो नकारात्मक एनर्जी वाला व्यक्ति वही है जिसने पास्ट की नकारात्मक चीज़ों को पकड़ के रखा है, उसके अच्छे अनुभवों को पकड़ के आप काम करेंगे। मेरी वाइफ हमेशा एक बात बोलती है, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक व्यक्ति वो होता है जिसको बहुत तकलीफें मिली हैं एक मुकाम हासिल करने तक, तो वो ये सोचता है कि सबको तकलीफ मिलनी चाहिए इस मुकाम तक आने तक, तब इन्हें पता चलेगा वैल्यू क्या है किसी चीज को अचीव करने की। और दूसरा व्यक्ति ये होता है, इतनी सारी तकलीफें जिनको मिली हैं, मेरे होते हुए किसी को इतनी तकलीफें ना मिले, बिना तकलीफ के आ जाएं सक्सेस होने के लिए। तो दोस्तों, मेरे
सेमिनार इसको लाइव को देखने वाले सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज ही दर्द को छोड़ दो। आप कब तक जिएंगे? चलो मैं आज की बात नहीं करता हूँ, अभी हम एक काम करते हैं, आप निर्णय ले लें। आज शाम तक, रात तक आराम से बैठिएगा, सोचिएगा कि मुझे 3 दिन और पास्ट की गलत चीज़ों को इकट्ठा करके रखना है। 3 दिन और, चौथे दिन फिर निर्णय लेंगे कि हाँ अब छोड़ना है। 5वें दिन निर्णय लेंगे। मैं कह रहा हूँ 1 महीने आप सारी गलत चीज़ों को इकट्ठा करके रखिए, लेकिन मेरा ये दावा है कि 1 महीने के बाद आप 1 दिन जरूर सोचेंगे कि हाँ अब उठना है। इसी को बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोलते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। कब तक याद रखेंगे? सोच के देखिए, आप ही को तकलीफ है। सेल्फिश बन जाइए पास्ट के साथ, सेल्फिश बन जाइए। अगर मैं ये सोचता कि मेरा मोबाइल खराब है, दिक्कत में है, तकलीफ में है, मेरा कल लाइव है, तो आपको क्या लगता मैं नॉर्मल कंफर्ट हो पाता? कंफर्ट व्यक्ति वही है जिसके ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। आगे कुछ और पीछे कुछ का मतलब गलत मत ले लीजिएगा, मेरे आगे 2 बच्चे और 1 वाइफ है और पीछे मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे बॉर्न किया है। माता पिता से बात अच्छी आई, माता पिता के द्वारा, मान के चलो माता पिता हमारे पास्ट होते हैं ना, पास्ट इन द सेंस अतीत, उनसे ही तो हम आए हैं, हम प्रेजेंट, हमारे बच्चे फ्यूचर। माता पिता ने हमें जितना मारा, पीटा, कूटा, ठोका, रोका, है ना, रोका भी है कई कामों से, ठोका भी है, वो जो कष्टदायक स्थिति थी, क्या आज हम याद किए हुए बैठे हैं? आज याद है क्या? नहीं ना। हमने पास्ट से क्या सीखा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया था, ये अच्छी अच्छी चीजें थी, इसको अप्लाई करेंगे लाइफ में। और जिसने माता पिता की नसीहत को, उसे नसीहत बोलते, मैंने बताया ना, सूखे पत्ते छोड़ना और हरियाली वाले पत्तों पर पानी देना, सूखे पत्तों पे खाद पानी बिल्कुल नहीं देना, एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, सब वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। माता पिता की उस नसीहत को पकड़ के रखा ना, तो अतीत से हमने क्या लिया? केवल वो चीज जो हमें सुखद अनुभव कराती। और याद रखिएगा, अतीत से नकारात्मक चीजों को इकट्ठा करने वाले लोग ही डर में रहते हैं। बात करते हैं हम भविष्य की, वर्तमान तो राजा है ही, बात करते हैं भविष्य की। चिंता, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि पास्ट फियर है और भविष्य आपका एंजाइटी है। चिंता, जब भी कोई व्यक्ति फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, भविष्य में चला जाता है, जो अभी आया नहीं है, याद रखिएगा, जो आया नहीं है उसे संभाला जा सकता है, लेकिन जो चल रहा है ये निकल गया तो फिर नहीं संभाला जा सकता। भविष्य ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, भविष्य में एक इमेज बनाता है अपने दिमाग में। फॉर एग्जांपल, मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे तो मैं फलाना जॉब अप्लाई करूंगा, फलाना जॉब अप्लाई करके वहां से इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा तो मैं ये अचीव करूंगा, ये बंगला बनाऊंगा, ये कार और ब्ला ब्ला ब्ला, सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। भविष्य ओरिएंटेड, भविष्य के सपने देखने वाला भविष्य में पहुंच जाता है और वर्तमान से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वर्तमान मतलब पेड़ का तना, आप तने को काट दीजिए। क्या लगता है आपको, किसी कीमत पे फल आएंगे? या फिर दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करें कि अगर पेड़ के फूल पत्ती जो है, बौर कहते हैं, फल आने से पहले बौर आता है, पत्तियां हैं, फूल है, ये भविष्य हैं, वर्तमान तना है, जड़ और बीज पास्ट हो गया, तो यदि मैं पत्तियों पर पानी दूं, फ्यूचर ओरिएंटेड, फूल की कल्पना करके वहां पानी और खाद दूं, और जड़ में मतलब तने में पानी ना डालूं, पानी तने में डाला जाता है, जड़ तक पहुंचता है, ध्यान रखिएगा, तो क्या लगता है आपको, भविष्य के फूल पत्ती पेड़ आ जाएंगे क्या?
लोग बहुत सारे गोल बनाते हैं, गोल, ऐसा एक भी दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो गोल नहीं बताता। गोल होता है फ्यूचर, होता है, एग्री? मैंने भी बहुत गोल बनाए, आपने भी बनाए होंगे, सब बनाते हैं, पर क्या गोल बनाने वाले लोग सभी पहुंच जाते हैं सक्सेस होके, या सभी पहुंच जाते हैं? गोल बनाने वाले लोग चिंता में फंस जाते हैं। गोल गोल कर देता है और गोल गोल होके हम एक जगह रह जाते हैं। रेयर केस में दो तीन लोग पहुंच जाए, अपन उनकी कल्पना नहीं, मतलब उनकी तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मैक्सिमम बात कर रहा हूं मैं आपसे। जैसे हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं, तो 60 में से ये गारंटी है कि 60 में से कम 58, 58, 58, 55 बच्चों ने गोल जरूर बनाया होगा, लेकिन 55 के 55 बच्चे फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाते। लाता एक ही है, दो है, सॉरी डिवीजन नहीं, परसेंटेज, आजकल परसेंटेज का जमाना है, हमारे टाइम पे डिवीजन चलती थी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, अब तो परसेंटेज है भाई 82, 89 ऐसा ऐसा। भविष्य के अच्छे फल कैसे आएंगे आप खुद बैठ के सोचिए, और यदि फल नहीं आएंगे तो आप एंजाइटी में आएंगे। फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सोचना नहीं चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छी बात है, पर सोचते ही रहना गलत बात है, क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, डीप 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 बिल्कुल डीप चले जाते हैं, तो आप उस चीज को छोड़ देते हैं। अरे अपने बस की बात नहीं, छोड़ो यार, इसमें तो बहुत दिक्कतें हैं। किसी ने बोला आप 4 लाख की FD करनी, हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे, फिर दूसरे दिन सोचा 4 लाख की FD के लिए क्या करेंगे, अच्छा ऐसा करेंगे, फिर धीरे 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 धीरे, अरे यार छोड़ो, काय के लिए पैसा फंसा रहे हो। और अगर आपने 2-3 लोगों से अगर फ्यूचर की बात कर ली, 2-3 लोगों से, सोनी जी थैंक्स सर, थैंक यू सो मच आपका, क्योंकि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी लाइफ का टाइम दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ध्यान रखिएगा, सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन वो समय वापस नहीं आएगा, वो प्रेजेंट वापस नहीं आएगा जो आप लोग मुझे दे रहे हैं, इसलिए थैंक्स टू यू। समय मतलब वर्तमान, आप एक बार सोच के देखिए, चलिए एक एक सेकंड सोच के देखिए, ना हारने का डर और ना जीतने का लालच, अब आपकी जिंदगी कैसी होगी? आपके अंदर ना हारने का डर है ना जीतने का लालच है, होगा कोई फियर और एंजाइटी आपके अंदर? जो होगा वर्तमान होगा, अगर वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं मेट सकते हैं। अभी गीता में मैंने सुना था, उसमें लिखा था, मतलब बताया गया था, एपिसोड जो चल रहा है, कि आपको आपके कर्मों के फल में मैं भी इंटरफेयर, मैं मतलब श्री कृष्ण, मैं भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। सोचिए रिजल्ट में स्वयं भगवान इंटरफेयर नहीं कर सकते, कर्म है प्रेजेंट, कर्म है प्रेजेंट, कर्म योगी बोला ना, योग मतलब क्या, जुड़ना, कर्म मतलब जुड़ना, कर्म मतलब जो आप कर रहे हैं, तो कर्म योगी का मतलब है प्रेजेंट से जुड़ना, दैट्स ऑल, फिनिश, सारा चैप्टर खत्म। भविष्य के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन सोचते ही रहने का मतलब है प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट। कितने लोग भविष्य के सपने देखते हैं, पर सबके सपने क्यों पूरे नहीं होते मालूम है? सपने देखना गलत बात नहीं है, सपने के बारे में सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन आप वर्तमान को भूलकर केवल सपना ही देखते रहेंगे, तो एक बचपन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने नाटक आता था, वो सपने ही देखता रहता था, करता कुछ नहीं था, दुनिया के लोग यही कहेंगे, और फिर ऐसे व्यक्ति को एंजाइटी होगी। जब एग्जाम आएगा ना, एग्जाम, एग्जाम मतलब होता है वो पॉइंट, वो समय जब आपके वर्तमान में किए गए कर्म को आप कॉपी पे लिखते हैं, उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, डगमगा जाएंगे, चिंताग्रस्त हो जाएंगे। मैंने आपसे पहले ही बोला कि जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाता है वो एक इमेज बना लेता है, उस इमेज में इनबिल्ड हो जाता है, इनग्रेंड हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ के फ्यूचर के हसीन सपनों में खो जाता है, सो जाता है, और सोने वाला व्यक्ति सब कुछ खो देता है।
खरगोश और कछुए की कहानी सुनी थी ना, जीतता हुआ खरगोश केवल सोने की वजह से हार गया। यदि वो कंटिन्यू दौड़ता रहता, कंटिन्यू दौड़ना मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, तो पक्का जीतता, उसे कोई नहीं रोक सकता जीतने से। लेकिन कछुआ क्यों जीता? क्योंकि वो वर्तमान को जीता रहा जीता रहा जीता रहा और जीत गया। गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। चंद्रवर्धन सिंह, गोल तो बनाना चाहिए ना? हाँ, गोल बनाना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि गोल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है गोल कभी भी आपको एनर्जी नहीं देता। किसी भी काम को, वर्तमान में किसी काम को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, आत्मशक्ति की जरूरत होती है, आत्मविश्वास की जरूरत होती है। ये पास्ट में और फ्यूचर में रह के नहीं मिलता, ये प्रेजेंट में रह के मिलता है। गोल बनाना अच्छी बात है। आपका गोल है, मैं ग्वालियर में हूँ, ग्वालियर से हरिद्वार पहुँचना, मतलब मेरा गोल है ग्वालियर से हरिद्वार पहुँचना, गोल बना लिया ना, इट्स ओके। अब क्या करना है? गाड़ी ड्राइव करें या ट्रेन की टिकट बुक करें, स्टेशन पहुँचें, गाड़ी में बैठें। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तभी तो हरिद्वार पहुँचेंगे। और मैं घर में बैठ के, यहीं बैठ के ये सोचता रहा, मुझे हरिद्वार जाना है यार, इस बार हरिद्वार का जो सेशन होना था वो सेशन तो हो नहीं पाया, कैसे होगा? हर साल मैं हरिद्वार दो बार जाता हूँ, एक बार जाता हूँ, क्या होगा? ये मैं हरिद्वार के बारे में सोचता रहूँ तो क्या हरिद्वार कभी पहुँचूँगा? इसलिए याद रखिएगा, गाड़ी ड्राइव करना वर्तमान है, गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी को कहाँ ले जाना है ये सोचना अच्छी बात है, क्योंकि आपका वर्तमान ही पास्ट बनता है, वर्तमान ही पास्ट बन रहा है, और आने वाला समय जो वर्तमान है भविष्य बन। आपने बोला गोल बनाना चाहिए या नहीं, गोल जरूर बनाना चाहिए, लेकिन गोल पर डिपेंड होने वाला व्यक्ति गोल हो जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर किसी के गोल पूरे नहीं होते, कभी नहीं होते। मैंने भी गोल बनाया था, आज मेरी उम्र 43 साल, मैंने भी गोल बनाया। दुनिया में हर व्यक्ति गोल बनाता है, पर सभी के गोल इसलिए पूरे नहीं होते हैं क्योंकि गोल से हमें ताकत नहीं मिलती, गोल होता है भविष्य में। गोल बनाने के बाद अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, उससे आप शायद समझ पाएंगे। चंद्रवान सिंह, मान के चलिए आपका गोल एक शेर से लड़ना है, लॉयन, तो सर प्रेजेंट में मोटिवेट होने के अपन फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं ना? मैं आपको सारे सवालों का जवाब देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मेरे, मैं जो बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, बस और कुछ नहीं है लाइफ में। मान के चलिए आपका गोल है एक शेर से लड़ना, लाइन से लड़ना, जो बब्बर शेर है जंगल का, वो आपके सामने खड़ा हुआ है 10 फीट की दूरी पर, डिस्टेंस है 10 फीट, आप यहाँ खड़े हैं, शेर यहाँ खड़ा हुआ है, आपका गोल है शेर से लड़ना, लड़ोगे? कोई भी लड़ेगा, मैं तो नहीं लड़ूंगा। अगर मेरे से कोई बोले ना जाओ शेर से लड़ लो, क्यों लड़ूं भाई? ये मालूम है कि शेर से लड़ेंगे तो गोल है हमारा शेर से लड़ना, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे वो चारों तरफ सराउंडिंग में बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो देखना चाहते हैं क्या लड़ाई होगी, देखते हैं शेर से कैसे लड़ता है। मेरा ऐसा सोचना है कि जो गोल है आपका शेर से लड़ना, उससे लड़ने से पहले आपको डर लगेगा या फिर आप नहीं लड़ेंगे। मेंटल केस की बात नहीं कर रहा, जो पागल लोग होते हैं ना वो तो भिड़ जाते हैं, तो गोल से हम एनर्जेटिक होके नहीं लड़ेंगे, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, शेर भी वही है, मैं तो कह रहा हूँ शेर 7 दिन भूखा है, चलो और टिपिकल, शेर 7 दिन भूखा है, अब गोल भी वही है शेर से लड़ना, लेकिन आप दुनिया में जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने बूढ़े माता पिता को, अपने हस्बैंड वाइफ को, अपने बच्चों को, वो आपसे पीछे खड़े हुए हैं, और ये भूखा शेर आपको नहीं उन बच्चों को खाना चाहता है। तो अब आप जी जान से लड़ जाएंगे,
जी जान से लड़ जाएंगे। एक उस माँ से पूछिए जिसकी बच्ची को छोटी सी चोट लग जाए, वो तिलमिला उठती है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि मैं बता नहीं सकता। अब वो गोल की वाट लगा देगी सिंपल भाषा में। तो कहने का मतलब ये है कि गोल आपको एनर्जी नहीं देता, गोल तक पहुंचने के लिए एक पर्पस होना चाहिए। जिसके पास पर्पस है वो गोल को अचीव 100% करेगा, जिसके पास पर्पस नहीं है गोल उसको कमजोर कर देगा। लोग गोल बदलते रहते हैं, पर्पस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था, पर्पस प्रेजेंट है, गोल फ्यूचर है। अतीत की दुखद घटनाओं को भूलना शुरू करो। कब तक ढोगे? लाशों को ढोने से लाशें जिंदा नहीं होती, लाशों को ढोने से लाशें जिंदा नहीं होती, दर्द पैदा होता है। भविष्य जो अभी आया ही नहीं है उसे बहुत आसानी से संभाल सकते हो, क्योंकि पास्ट जो है वो आदरणीय हो सकता है। पास्ट मतलब अतीत। अतीत आदरणीय हो सकता है लेकिन अनुकरणीय नहीं। वर्तमान का माली अतीत के पौधों में से सुखद पौधों को लेके भविष्य का रास्ता बना सकता है, और जो व्यक्ति प्रेजेंट में रहेगा उसे कभी डर नहीं लगता, कोई चिंता नहीं होती। विश्वास मानिएगा, कभी कोई चिंता नहीं होती। आप भूल जाइए भविष्य को, भविष्य में क्या करना है फिट कीजिए, गोल बनाइए और भिड़ जाइए उस काम में बस। क्योंकि उस रिजल्ट, उस गोल को पाने के पीछे आपके पास पर्पस जरूर होना चाहिए। जिनके पास पर्पस नहीं है वो इस गोल को हटा के कहेंगे चलो यार दूसरा गोल अप्लाई करते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, गेट आउट फ्रॉम लाइफ का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ से अपनी दुखद घटनाओं को, पास्ट की दुखद घटनाओं को छोड़ दो, भूल जाओ। आपके हाथ में घाव हो जाता है, घाव को कितने दिन तक रखते हैं आप अपने साथ, कितने दिन तक? अगर ये घाव ज्यादा दिन रहेगा तो ये आगे के हिस्से को खराब करने लगता है। पास्ट में यहाँ चोट लगी, ये घाव हो गया, इसमें ब्लडिंग हो रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, मवाद पड़ गया, हम इसको सही करने की कोशिश करते हैं ना। लेकिन अगर हम इस घाव को ऐसे लेके ही घूमते रहेंगे, सही क्यों किया? क्योंकि हमें मालूम है सही करने का जो अच्छा फील होगा, उस अच्छी फीलिंग के लिए ये काम किया, राइट? मैंने कहा पास्ट की अच्छी चीज़ों को पकड़ के चलना है, लेकिन इस घाव को लेके चलोगे तो ये घाव पूरे हाथ को सड़ा देगा। दुखद घटनाओं को, दुखद एक्सपीरियंस को हम अगर लेके चलेंगे तो हम वर्तमान में नहीं जी पाएंगे, और जब वर्तमान आपके हाथ से स्लिप हो गया तो याद रखना बच्चों, दोस्तों, जितने लोग सुन रहे हैं, सिस्टर, दीदी, माता जी, वर्तमान आपके हाथ से निकल गया तो भविष्य में कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई नहीं बचा सकता। भविष्य की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा। भविष्य के गोल बनाएं, भविष्य के बारे में सोचें। भविष्य को छोड़ दीजिएगा मतलब ये मत पकड़िएगा कि फ्यूचर का कोई वैल्यू नहीं होती। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पास्ट की वैल्यू नहीं होती, फ्यूचर की वैल्यू, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है फ्यूचर को छोड़ दीजिएगा मतलब पकड़िए, वर्तमान पर ध्यान दीजिए। आप एक बात बताएं, क्या आपके हाथ में फ्यूचर है? मेरे हाथ में फ्यूचर है? रात में भूकंप आ जाए, देख रहे हो आंधी तूफान आ रहे हैं, आज रात में जो सोता है व्यक्ति बहुत सारे गोल के साथ, बहुत सारी उम्मीदों के साथ, बहुत सारे सपनों के साथ, उसकी सुबह उठने की कितने परसेंट श्योरिटी होती है? 1% भी नहीं होगी। सोने वाला व्यक्ति सुबह उठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जो भी जीना है आज जी लो, अभी जी लो, और आपने अभी जी लिया तो समझ लीजिए फ्यूचर अच्छा हो गया। समझ पा रहे होंगे आप लोग डर और चिंता को गेट आउट फ्रॉम लाइफ कैसे करना है? स्टूडेंट बन के रहिए। मैं गोल नहीं होगा तो सक्सेस कैसे होंगे कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं? देखिए हर्षिता, आपने बोला गोल नहीं होगा तो सक्सेस कैसे होंगे, हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं? ये मैंने डर और चिंता को कम करना, हटाना, डिलीट करने की बात की है, लेकिन हमें गोल हमें पता होना चाहिए। अगर गोल हमें नहीं पता है तो हमें कैरियर काउंसलिंग होती है, कैरियर काउंसलर होते हैं, उनसे टेस्ट कराने पड़ते हैं, उसके बाद रिजल्ट जो आता है उस रिजल्ट पे चलना होता है। यदि हमारे माता पिता हमें अच्छी नसीहत नहीं दे पाए हैं तो फिर अच्छे गुरु हैं। याद रखिएगा इस दुनिया में
अच्छे गुरु और अच्छे शिष्य दोनों उपस्थित हैं, प्रॉब्लम यह है कि एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते। बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं आज की डेट में भी, और बहुत अच्छे अच्छे गुरु भी हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते। राइट सर, गोल अचीव करने के लिए प्रेजेंट में वर्क करना जरूरी है। आप बताइए, प्रेजेंट में अगर वर्क ना करें तो कोई भी गोल अचीव हो सकता है क्या? बिल्कुल सिंपल, प्रेजेंट में आप अगर वर्क करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो जो गोल आपने बनाया वो तो अचीव होगा, उससे ऊपर भी जा सकते हो, और अगर वो नहीं हुआ तो उससे नीचे आ सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ अचीव जरूर होगा, ये गारंटी है। ये गारंटी है कि कुछ ना कुछ अचीव जरूर होगा यदि आप प्रेजेंट में वर्क करते रहेंगे। प्रेजेंट में अगर आपने गड्ढा खोदना शुरू किया है, करते रहेंगे पानी जरूर निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सर, प्रेजेंट में मोटिवेट होने के लिए फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं? हाँ, कल्पना कर सकते हैं। ये है अक्षर शर्मा, कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन कल्पना ही करते रहना गलत है। मिठाई होती है ना, मिठाई, स्वीट, हमने मिठाई खाई, अच्छी बात है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा टेस्ट लिया, बहुत अच्छी बात है, पर मिठाई ही सुबह शाम दोपहर खाते रहोगे तो डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाओगे, डॉक्टर कहेगा एडमिट कर दो। मैं ये कह रहा हूँ, अंतर समझो आप दोनों बातों में, अंतर समझिए आप। वर्तमान के अच्छे संबंध ही भविष्य में आपको ताकत देंगे, ये ध्यान रखिए। तो आप में से कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है? क्योंकि वर्तमान कह रहा है कि मुझे अतीत में जाना है, आपका नया भविष्य इंतजार कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि समय सीमा जो मुझे दी गई थी 1 घंटा वो समाप्त हो रही है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछ सकता है। याद रखिएगा, डर से डरो मत, डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रॉब्लम है हम डर से जुड़े हुए हैं, हम पास्ट से जुड़े हुए, पास्ट से डिस्कनेक्ट हो जाओ। अच्छी यादों को लेके, आपने समुद्र पे शिप जहाज को देखा होगा जो किनारे पे खड़ा रहता है, लंगर डाल के, लंगर ही बोलते हैं शायद उसको, ऐसे चैन डली रहती है। सोचिए यदि जहाज लंगर डाल के खड़ा रहे और जहाज को चालू कर दो, कहीं पहुंचेगा क्या? नहीं, पास्ट के लंगर को हटाइए हटाइए, छोड़िए, चलिए, अच्छे अच्छे लोगों को जहाज में बैठाइए और निकल पड़िए सफलता के रास्ते पे। 100% लाइफ बहुत अच्छी होगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपकी लाइफ को अच्छा होने से, और चलना आपको पड़ेगा, आपको अपने पैरों को मजबूत करना पड़ेगा। विवेक सर गुड, रामसंती गुड, थैंक्स सर। मनमोहन सर, मनमोहन सिंह सर जो हैं लाइव हैं इस समय, इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात बताऊं, लाइव हैं क्योंकि ये सुन रहे हैं, ये आई विटनेस हैं सब कुछ। मनोज सर से मेरी मुलाकात काफ़ी समय पहले हुई थी। हम लोग बोलते हैं ना, हम अपने विचारों को नहीं रोक पाते हैं, हमारे विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं, पास्ट फ्यूचर भविष्य। मनमोहन सर मेरे से जुड़े, मैं उनसे जुड़ा, मैंने कुछ उनसे सीखा, उन्होंने मुझसे कुछ सीखा, और मनमोहन सर ऐसे हैं कि 7-7, 8-8 घंटे उनके दिमाग में विचार ही नहीं चलते थे, उस पीस, उस काम और कूलनेस में रहते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। मनमोहन सर, अक्षय सर, अगर हमारे सामने हमारे पास्ट की बुरी यादें आए तो उन्हें कैसे रोकें? देखिए, कोई भी चीज हमारे सामने आती नहीं है। आपके सवाल से मैं जितना समझ पा रहा हूं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। पास्ट की बुरी चीजें हमारे सामने नहीं आते, हम लेके आते हैं अंदर से। हम खुद सोचते हैं कि उसने मेरा बुरा किया था, इसने मेरा बुरा किया था, उसने मुझे चीट किया था। हम लेके आते हैं, कोई चीज़ अपने आप नहीं आती, अपने आप नहीं आती, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी क्लियर नहीं है ना कि पास्ट हमारे सामने, हमारे पास्ट की यादें हमारे सामने आ जाएं तो हमें क्या करना है। यादें इन द सेंस वो इंसान, वो व्यक्ति, वो घटना, या फिर आप अपने पास्ट को याद लेके आ रहे हैं ऐसे बाहर, राइट? मनीष गुप्ता सर, ग्रेट सर। सर, स्टूडेंट सिर्फ मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सीख रहा है और सिखा रहा है।
आप लोगों से सीखा है बहुत कुछ, आप ही को लौटा रहा हूँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। सर वीडियो अवेलेबल रहेगी फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू जैन साहब, काजल जैन, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस लाइव को, मुझे लाइव लेके आने में। ये काजल बेचारी बहुत कंटिन्यू फ़ोन लगा के, सर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, सर ऐसा, हाईली इन्फॉर्मेशन सेशंस, थैंक्स, थैंक यू सर एंड टीम करुणा इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। याद रखिएगा, मन अच्छा तो कटौती में गंगा, ऐसा कुछ एक कहावत है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत है, इसलिए मेंटल हेल्थ को सबसे पावरफुल रखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ नहीं होती। शरीर का कष्ट आदमी सहन कर सकता है, मन का कष्ट सहन नहीं हो सकता, रातों की नींद गायब हो जाती है, मन के हारे हार। कांगी यादव, थैंक यू सर, थैंक यू यादव जी, थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया, सुना। मनमोहन सर फिर से आ गए, सर ये आपकी महानता है जो आपने मुझे खुद से परिचित करवाया। मैंने अभी आपको बताया था, मनमोहन सर 7-7 घंटे 6-6 घंटे विचार शून्य अवस्था में रहते थे। सोचिए, जो लोग कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, असंभव है, हो ही नहीं सकता, ये लाइव एग्जांपल है मेरे। ऐसे बहुत हैं, बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं। मेरा एक पॉजिटिविटी को लेके मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, पावर ऑफ पॉजिटिविटी, जिसमें मैं पर डे एक पॉजिटिव मैसेज ड्रॉप करता हूँ जो आपको पूरे दिन पॉजिटिव रखता है। अमिता श्रीवास्तव, मैं करती हूँ गुण, मैं चेंज टू करती हूँ। हरिशंकर, थैंक यू सो मच सर। माते जी, जी जी जी, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का अपनापन है, इसलिए ये सब कुछ है, इतने लोग कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहे। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल सेशन। वंडरफुल नहीं था, आपने ध्यान से सुना, आपके कानों ने, इसमें सबसे बड़ा योगदान तो आप लोगों का है। मैं तो कहीं भी बोल सकता था, कहीं भी बोलता रहता, सुनने वालों की वैल्यू, यदि स्टूडेंट ना हो तो टीचर नहीं होता, गुरु गुरु तभी है जब उसके पास स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की वैल्यू ज़्यादा है, राइट। थैंक यू सो मच फ्रॉम द होल टीम करुणा, थैंक यू, मुझे आप लोगों ने बुलाया, मुझे समझा, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मन को जिताओ ना, तो मन आपको दुनिया में सबसे जिता देगा। पूरे शरीर में अगर कोई घाव ना हो ना, तो याद रखिएगा, नेगेटिव मक्खी आपके पास आ ही नहीं सकती। नेगेटिव मक्खी तभी आती है जब शरीर में घाव होता है, इट मीन्स हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है, तभी आसपास की नेगेटिविटी हमारी तरफ आती है। अपने आप को फुल पॉजिटिव रखें, क्योंकि केवल पॉजिटिविटी का ही अस्तित्व है, नेगेटिविटी का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन नेगेटिविटी पर ध्यान देंगे तो याद रखिएगा, वी कैन ज्वाइन द ग्रुप सर। देखिए हरिशंकर जी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, रिफ्रेश हो गए भैया, कुछ कुछ भूलने लगे थे, आपको देखकर और सुनकर वापस से पॉजिटिव हो गए। आप वापस से पॉजिटिव नहीं हुए, आपके अंदर ऑलरेडी पॉजिटिविटी थी, आपके अंदर थी, मैंने पानी दिया पौधा निकल आया। आप लोग पानी देने वालों लोगों की जगहों पे पत्थर मारने वाले लोगों के साथ हैं, वो पत्थर डाल डाल के उसको दबा देते हैं, लेकिन पौधा तो अंदर ही होता है, बीज तो आपके अंदर ही था। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, सब आप ही ने किया है, आपने सुना समझा। मीनाक्षी दीदी, थैंक यू सर फॉर गाइडेंस यू ऑलवेज। मीनाक्षी दीदी ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत समझदार हैं ये दीदी। मीनाक्षी दीदी ने मुझे साउथ अफ्रीका से सर्च किया था, घाना से। थैंक यू सो मच दीदी, आपने इतना टाइम दिया। हर्षिता शर्मा, थैंक यू भैया फॉर द सेशन। मैं हरिशंकर जी को बता रहा था कि मेरा एक ग्रुप है, पावर ऑफ पॉजिटिविटी व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें मैं पर डे मॉर्निंग एक पॉजिटिव मैसेज उसमें ड्रॉप करता हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से पॉजिटिविटी ले सकते हैं, क्योंकि आपसे ली हुई चीज़ ही मैं आपको लौटाता हूँ बस। थैंक यू सो मच। चलिए, प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है, वर्तमान ही अतीत बनता है, क्योंकि नया भविष्य वर्तमान बनने वाला है। वर्तमान की वैल्यू हमेशा से पावरफुल थी, पावरफुल है और पावरफुल रहेगी। बस आप वर्तमान में रहिए तो आप पावरफुल हो जाएंगे। वर्तमान में रहना लोग भूल गए हैं, वर्तमान में रहना लोग भूल गए। थैंक यू, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच आप लोगों का प्यार, अपनापन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अलविदा, फिर नए सेशन के लिए मिलते हैं, नई उम्मीद, नई सोच, नए सपनों के साथ और नए सवालों के साथ। लेकिन याद रखिएगा, सब नया होना चाहिए, पुराना नहीं, कि पुराना छोड़ने का तो प्रॉमिस किया है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।